अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि जितने भी पबजी लवर्स थे और जितने भी गेमर्स थे उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि पबजी के बैन होने के एक दो दिन के बाद ही अक्षय कुमार ने पीएम मोदी की इजाज़त से अपने देश के अंदर, अपने इंडिया के अंदर एक गेम लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है फौजी। तो ये गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है के पबजी के बदल में, पबजी जैसा ही होगा, सिमिलर पबजी जैसा ही होगा, तो पबजी जैसा एक गेम इंडिया के अंदर अपना ही गेम है, अपने इंडिया का ही बनाया हुआ गेम है, तो इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है बहुत जल्द। तो मैं आपको अक्षय कुमार का ट्वीट दिखा देता हूं कि अक्षय कुमार ने ट्वीट के अंदर क्या कहा है। तो ये देखिए उसकी तस्वीर। अब बात ये आती है कि फौजी गेम पबजी की तरह होगा कि जिस तरीके से पबजी खेलते थे लोग, क्या सेम वही पबजी वाला गेम क्या फौजी होने वाला है? तो इस वीडियो से आप खुद ही पता लगा सकते हैं कि फौजी गेम किस तरह का होने वाला है और पबजी गेम किस तरह का था। तो इंडिया के अंदर जैसे ही पबजी बैन हुआ तो वैसे ही इंडियन सरकार ने, भारत सरकार ने और अक्षय कुमार ने सोचकर एक गेम लॉन्च किया है जितने गेमर्स थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि ये गेम बहुत जल्द इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है। और आप ये वीडियो देखिए कि फौजी गेम किस तरह का होने वाला है। ये आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरी बात ये अक्षय कुमार का ये कहना है कि ये जो गेम है वो जो सरहद पर जो हमारे सैनिक हैं, जो अपनी जान देते हैं, जो इतना अपने त्याग करते हैं, परिवारों से दूर रहते हैं, उनके कष्ट, उनके कष्टों को समझने में ये बहुत तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये बातें, ये खबर सारे पबजी लवर्स के पास पहुंच जाए, जितने भी गेमर्स हैं सबके पास पहुंच जाए।